हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सो, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आ गई हूँ ऑफिस, और हर साल की तरह दिवाली की जो शुरुआत होती है वो मेरी ऑफिस से ही होती है। सो ना, सुबह जब आने वाली थी ना तो बहुत लेट हो गया था, क्योंकि कंटिन्यूसली मैंने बताया था आपको मेरा वर्क शेड्यूल बहुत हेक्टिक चल रहा था और सुबह उठने में लेट हो गया था। तो मैं ना रेडी होके बस नॉर्मली आ गई थी। इयर रिंग्स वगैरह भी मैंने व्यर नहीं किए थे, ऑफिस आके मैंने व्यर किया। फिर एचआर की तरफ से हमें ये विशिंग कार्ड मिला था, एंड देन गिफ्ट पैक मिले थे हमें ऑफिस की तरफ से। तो बहुत 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 अच्छी रही ऑफिस में दिवाली हमारी। सभी कॉलीग के साथ हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए खूब सारे। आप मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन फिर मैं आ गई थी घर, और घर में बहुत थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी थी तो वो मैंने किया। एंड देन फिर रंगोली बनाने बैठी। तो सबसे पहले मैं चौक से ही ऐसे वो कर लेती हूँ डिज़ाइन, एंड देन तो मैंने एक बड़ी वाली रंगोली का ड्रॉ बना लिया था। उसके बाद तुलसी जी का जो मतलब बंगाली में तुलसी बेदी बोलते हैं, आई डोंट नो कि हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, जो तुलसी जी लगाते हैं ना जिसमें, उसके आगे मैंने एक छोटी सी रंगोली बनाई। एंड देन फिर बड़ी वाली रंगोली में आई, तो इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे, बहुत लेट हो चुका था। मम्मी बार बार बोल रही थी दिया कब जलाएगी, दिया कब जलाएगी, लेकिन मैं रंगोली बिना कंप्लीट के कैसे जलाती, और काफ़ी टाइम हो गया था। इवन साल में अगर एक बार आप रंगोली डालते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। सो बस रंगोली का फाइनल लुक जो है वो भी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, आप देखिएगा, और या फिर आप इंस्टा में पोस्ट देखिएगा तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। फिर मैं फटाफट से रेडी वेडी हो गई, पूजा किया, देन फिर मैंने दिए जलाए काफ़ी सारे, और उस तरह से दिए को मैंने फिर सब जगह पे जो है वो रख कर के आई। सो आज मैंने सारी वेयर की हुई थी, आपको फ़ोटोज़ भी दिख जाएगी तो आप वो देख सकते हो। सबसे पहले तुलसी जी के पास मैंने दिया रखा, एंड देन घर के पास दिया रखा, रंगोली के ऊपर फिर मैंने दिया रखा सारा। और ना दिवाली में वाइब ही अलग होती है ना, हर जगह रोशनी होती है, लाइट्स जलते हैं, सो बहुत अमेजिंग फीलिंग होता है। तो रंगोली मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो फिर यहाँ पर जो है वो मैं पूरे अच्छे से दिए लगा लूँगी। और ऐसे लुक में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ था, सिर्फ नॉर्मली सारी वेयर की हुई थी और हल्का फुल्का सा ही मैंने मेकअप किया था। आप मुझे बताना कि कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और दिवाली में ना ऐसा है कि अब देखो, बचपन में ऐसा होता था ना कि पापा पटाखे लाते थे तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम जलाते थे पटाखे और बहुत इंटरेस्ट आता था। अब हम बड़े हो गए हैं तो ऐसा होता है कि ठीक है, पापा भी बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग लेके आ जाओ अपने हिसाब से। तो बस मैं तो थोड़े बहुत, मैं ज़्यादा बड़े बड़े पटाखे नहीं वो करती हूँ, बम वगैरह नहीं फोड़ती हूँ। हाँ, मुझे ये अच्छा लगता है कि अनार जला लो, चक्री जला लो, फुलझड़ी। सो मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है आग से, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो मैंने साड़ी चेंज कर ली थी और अपने नॉर्मल लुक में आ गई थी घर पे। उसके बाद मैंने खूब सारे पटाखे फोड़े और इस तरह से जलाए। और ये जो अभी मम्मी और मैं दोनों जला रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे जैसे मम्मी का बहुत अच्छे से जल गया, वो बहुत ही ऐसी आवाज़ होती है उसमें, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं जला। पता नहीं वो डैमेज था कि वो क्या हो गया था, आई थिंक डैमेज रहा होगा एक आध पीस, तो बहुत अच्छे से मम्मी का जल गया और मेरा तो बिल्कुल जला ही नहीं। मैं एकदम, मुझे बुरा लग रहा था, पर ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मम्मी ने भी बहुत सारे पटाखे फोड़े। मेरी मम्मी को ना बड़ा शौक है पटाखे फोड़ने का, रियली में, मतलब इतना तो मुझे भी नहीं है जितना उनको है। और यहाँ पर ना मैं जो वो ऐसे छोटे छोटे पटाखे होते हैं, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, आई थिंक लहसुन पटाखे बोलते हैं शायद, वाइट कलर के, उसको ऐसे नीचे अगर आप मारोगे तो पटाखे फूटते हैं, तो वो मैं जला रही थी। वो जला जला के मैंने रंगोली थोड़ी सी ख़राब कर दी ऊपर से। और ये मैं शूट करना भूल गई थी, मैं स्टार्टिंग में शूट करने वाली थी पर पता नहीं दिमाग से निकल गया था, फिर मैंने ना बाद में शूट किया। तो यहाँ पे मैंने इसे शुभ दीपावली लिखा था तुलसी चौरे के पास, और फिर एंड में मैंने जो है ये लाइट जो है वो उड़ाते हैं वो मैंने उड़ाई।
तो ये मैं हर साल करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो काफ़ी दूर तक गया, मतलब पहली बार इस साल ऐसा हुआ ना मेरे से कि काफ़ी दूर तक गया जाते हुए दिखा मुझे। नहीं तो हमेशा ऐसा होता था कि आसपास ही थोड़ा दूर ही जाता था और फिर नीचे गिर जाता था। मतलब इसको एक्चुअल में इस टेक्निक शायद मुझे नहीं पता है अच्छे से, इसलिए ऐसा हुआ होगा। और फिर मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। आप मुझे साड़ी का लुक बताना कि आपको कैसा लग रहा है। मैंने खूब सारी फ़ोटोज़ इस तरह से हमने दिवाली जो है वो इंजॉय करी, फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोज़ बनाए और बहुत सेफली हमने दिवाली इंजॉय करी। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।